इस वाले प्रोग्राम में हम जो भी नंबर आप इनपुट करेंगे उसका ये चेक करेंगे कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है या ज़ीरो है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव चेक करना है तो भी आपको ज़ीरो फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ीरो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो इस केस में आपको अलग से प्रिंट कराना पड़ेगा कि आपने ज़ीरो इंटर किया है। अब अगर जैसे कि आपको एक वेरिएबल यूज़ करना है तो आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लीजिए इंट n। अब आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट प्रिंट करा दीजिए एंटर एन नंबर, जिससे यूज़र को पता चल जाए आउटपुट स्क्रीन पे कि उसे एक नंबर इनपुट करना है। स्कैनफ, स्कैनफ फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं हम, जैसे कि एक इनपुट लिया जाए स्कैन करने के लिए, और एम परसेंट एन वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट कराएगा। अब नंबर तो इनपुट हो गया, हम इसे चेक कराते हैं। इसको चेक कराने के लिए भी कई तरीके हैं, मगर हम जैसे सिंपल इफ़ यूज़ करते हैं, अगर इफ़ और नेस्टेड इफ़, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एन इज़ ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू ज़ीरो कर दीजिए। अगर आप लेस देन इक्वल टू करते हैं तो यहाँ पे दो कंडीशन हम एक साथ ले रहे हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो या तो वो नंबर ज़ीरो है या ज़ीरो से लेस देन है, ठीक है। तो हमें एक नेस्टेड बनाना पड़ेगा इसमें, इफ़ एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर यहाँ ये कंडीशन हमने और स्पेसिफाई कर दी कि नंबर ज़ीरो ही है क्या, तो हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, यू हैव एंटर्ड ज़ीरो, ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप क्या लिखेंगे, यू हैव एंटर्ड नेगेटिव नंबर, ठीक है। मतलब आउटर कंडीशन पहले देखिए आप, एन इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ दो कंडीशन है, एन लेस देन है या इक्वल है ज़ीरो के। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर आएगा, और लूप में एन चेक करोगे आप कि एन ज़ीरो के इक्वल तो नहीं है। अगर ज़ीरो के इक्वल है तो यू हैव एंटर्ड ज़ीरो प्रिंट हो जाएगा, और अगर इसकी ये कंडीशन फॉल्स है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव नंबर है, तो एल्स केस में उसे हम रखेंगे यू हैव एंटर्ड नेगेटिव नंबर, ये प्रिंट हो जाएगा। अगर पहली ही कंडीशन फॉल्स हो गई एन इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब कि वो डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर है। तो आप यहाँ सिंपल एक स्टेटमेंट एल्स में लिख देंगे, एल्स यू हैव एंटर्ड, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, पॉजिटिव नंबर कर दीजिए, बस ये प्रोग्राम का बन गया। अब इसे आप रन करके देख लीजिए, ये आप जैसे कि माइनस फाइव इनपुट दीजिए तो यू हैव एंटर्ड नेगेटिव नंबर, फिर से रन करते हैं, ज़ीरो दीजिए यू हैव एंटर्ड ज़ीरो, और एक पॉजिटिव नंबर चेक करा लीजिए, जैसे मैं नाइन इनपुट करता हूँ तो यू हैव एंटर्ड पॉजिटिव नंबर। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम बन जाता है। इसी चीज़ को आप और इजी वे में कर सकते हो, कैसे, आप नेस्टेड हटा के एल्स इफ लेटर में कर दीजिए इसे। तो एल्स इफ लेटर में क्या होगा, हर कंडीशन अलग अलग चेक हो जाएगी। जैसे कि इसको आप हटा दीजिए यहाँ से, सिंपल इफ़ आपने लगाया, सबसे पहले ज़ीरो कंडीशन चेक करी, इफ़ एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्रिंट इफ़ यू हैव एंटर्ड ज़ीरो। एल्स इफ में क्या होता है, एल्स इफ लेटर में क्या होता है, आप सेकंड कंडीशन को एल्स इफ कर देते हैं, थर्ड कंडीशन को एल्स इफ कर देते हैं, लास्ट कंडीशन को आप एल्स कर देते हैं, मतलब एंड टाइम्स तक आप एल्स इफ करके उसे यूज़ कर लेते हैं। पहली कंडीशन सिंपल इफ होती है, फिर सेकंड कंडीशन से लेके एन माइनस वन कंडीशन तक आप एल्स इफ यूज़ करते हैं, और लास्ट कंडीशन एल्स कर देते हैं, क्योंकि एन माइनस वन कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई, इनमें से एक भी ट्रू नहीं हुई, तो एल्स कंडीशन तो कन्फर्म ट्रू होगी, तो ये एल्स इफ होता है। इस वाले केस में एल्स इफ अपन यूज़ करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे एल्स इफ लगाना पड़ेगा, यहाँ चेक कराना पड़ेगा एन इज़ लेस देन ज़ीरो। देखिए अलग अलग हो गई सारी कंडीशंस, एल्स इफ एन इज़ लेस देन इक्वल लेस देन ज़ीरो, या फिर एल्स यू हैव एंटर्ड पॉजिटिव नंबर, हो गया चेंज पूरा प्रोग्राम इससे। तो अब इसे कन्फर्म रन करके देख लेते हैं, यहाँ कुछ एरर्स आई हैं, ये रह गया एक कर्ली ब्रेस, ठीक है, और कोई एरर नहीं है। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, सबसे पहले हम इनपुट देते हैं थ्री, तो यू हैव एंटर्ड पॉजिटिव नंबर, एक बार ज़ीरो इनपुट दे दीजिए,
जीरो इनपुट, तो यू हैव एंटर्ड जीरो। और एक बार नेगेटिव नंबर दे दीजिए माइनस सेवन, यू हैव एंटर्ड नेगेटिव नंबर। तो इस तरीके से आप इस प्रोग्राम को और भी तरीके से बना सकते हैं।